आजाद कश्मीर के तफरीही मकाम समाहने में लोगों की बड़ी तादाद तफरी के लिए पहुंच गई। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ असलम मीर। ईद के दूसरे रोज वादी समहानी के इलाके में भी सयाहों का रश देखने में आया। 35 किलोमीटर तवील और 8 किलोमीटर चौड़ी इस खूबसूरत वादी में इन दिनों हर सू हरियाली नजर आ रही है। ये जगह ऐसी है जहाँ से आप पूरा वादी समहानी का नजारा कर सकते हैं। वादी समहानी एक बड़ी तारीखी हैसियत है इसकी। यहाँ पे बेशुमार बावलियाँ हैं, बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, और खसूसन जो बागसर झील है, बड़ा मुतदिल मौसम होता है और फिर इजी अप्रोच है। लाहौर से आप मैक्सिमम 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ों में गिरी खूबसूरत वादी समहानी में दाखिल होने से पहले सया इलाके के मशहूर शेख बाबा शादी शहीद के दरबार पर दुआ के लिए हाजिर होते हैं। हजरत बाबा शादी शहीद बड़ा रूहानी मरकज है। यहाँ से बैरून मुल्क से और आज़ाद कश्मीर, गुजरात, जेलम, खारिया, मंडी बहुद्दीन, लाहौर, सियालकोट से भी लोग आते हैं। इस इलाके में सयाह सराय सादाबाद, बागसर किला और बागसर झील की भी शौक से सैर करते हैं। यहाँ सयाहों के कयाम के लिए सरकारी और निजी रेस्ट हाउसेज भी मौजूद हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट का हमारा ये जो आप रेस्ट हाउस जिस पे हम खड़े हैं, अगरचे इसमें अकोमोडेशन फैसिलिटीज की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी उस लेवल की हमारी फैसिलिटीज अभी नहीं है, लेकिन आई होप के जी आस्ता आस्ता जब टूरिस्ट जू ही आता है तो मार्केट खुद अपना कस्टमर जो है ना वो पैदा करती है। रियासत जम्मू कश्मीर की तारीखी मुगल रोड जो नगर को लाहौर के साथ बरास्ता राजौरी मिलाती है, वो इसी खूबसूरत वादी समहानी से गुजर कर जाती है। वादी समहानी आजाद कश्मीर के उन खूबसूरत सेहत अफजा मुकामात में से एक है जो साल के चारों मौसमों में सियाहत के शौकीन अफराद को दावत नजारा देती है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़।